हेलो दोस्तों, लर्न एडवांस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किस तरह से आपको अपडेट क्वेरी करना है ये आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मेक टेबल क्वेरी है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अपेंड क्वेरी है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। आज आपको मैं अपडेट क्वेरी बताऊंगा किस तरह से आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप, फाइल वन है, फाइल टू है और मास्टर डेटा है। इस पर कुछ नहीं है, यहाँ पर साइट नेम है, डेट है और वैल्यू है, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ। अभी आपको कुछ अपडेट करने से पहले क्या करना पड़ता है दोस्तों, एक फील्ड इंसर्ट करना पड़ता है। जिस तरह से आप एक्सेल पे फील्ड इंसर्ट करके अपडेट करते हो उसी तरह यहाँ पर भी आपको करना है। किस तरह से आपको करना है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिज़ाइन व्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पर आपको जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको फील्ड नेम देना है, ठीक है। कुछ भी आप जो भी समझ में आप वो यहाँ पर दे सकते हो। रिमार्क्स मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अभी आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर आपको क्वेरी डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर जाओगे आपके जो फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे दोस्तों, ठीक है। मैं फाइल वन को ले लेता हूँ, डबल क्लिक करना है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, रिमार्क्स जो मैंने वहाँ पर फील्ड नेम दिया था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी हमको रिमार्क्स में अपडेट करना है, तो क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है नीचे, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, आप देख सकते हो। अभी आपको सिंपल यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको जो भी अपडेट करना है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो दोस्तों। कुछ लिखना है तो भी लिख सकते हो, या फिर कुछ अपडेट करना है तो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर टेस्टिंग लिख देता हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ समझ में आने के लिए मैं यहाँ पर टेस्टिंग लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। एंटर करेंगे। अभी आप बहुत ही सिंपल है, ऊपर रन का जो ऑप्शन रहेगा इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। ये देखिए, यू आर अबाउट टू अपडेट 15 रोज, मतलब आपको 15 लाइन आइटम्स है, 15 लाइन आइटम्स में भी ये टेस्टिंग अपडेट हो गया है दोस्तों, ठीक है। इसको यस करेंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी क्लोज करने के बाद अभी हम चेक करेंगे फाइल वन में टेस्टिंग अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, टेस्टिंग अपडेट हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये अपडेट क्वेरी का एक बेसिक पार्ट है दोस्तों। और भी ऐसे एडवांस बहुत सारे आपको अपडेट क्वेरी में जानना है, पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आपको करना क्या है दोस्तों, इसको मैं निकालता हूँ, अभी दोबारा से आपके करके बताता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। आपको करना क्या है अपडेट क्वेरी के लिए, पहले राइट क्लिक करना है, डिज़ाइन व्यू पे जाना है। यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है कुछ भी, आपको जो भी हेडिंग समझ में आए वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। रिमार्क्स कंट्रोल एस करना है, सेव हो जाएगा। अभी आपको ऊपर क्रिएट पे जाना है, क्वेरी डिज़ाइन में जाना है, जो फाइल आपने जो फील्ड इंसर्ट किया वो फाइल को यहाँ पर लेना है। इसको रिमार्क्स को नीचे ड्रैग करना है, अपडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है आपको जो भी आपको अपडेट करना है वो लिखना है दोस्तों, सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं, मैं आपको समझाने के लिए टेस्टिंग लिख रहा हूँ इधर। एंटर करना है, ऊपर रन का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करने से अपडेट हो जाएगा। इस पर इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो टेस्टिंग अपडेट हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और भी ऐसे एडवांस फंक्शन आपको इस चैनल पर सीखने को मिलेंगे, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।